और अब बात करते हैं सीएम भजनलाल की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला अत्याचार, पेपर लीक और किसान कर्ज माफी पर कांग्रेस की पिछली सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि नकल माफिया के कारण प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट पूरा मन लगाकर परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर देने के बाद उनके अरमान आंसुओं में बह जाते। कुछ संस्थानों ने इसे धंधा बना दिया, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। सीएम नागौर के मारवाड़ मुंडवा में वीर तेजा महिला शिक्षण और शोध संस्था के वार्षिकोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। यहां वीर तेजा जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया गया। सीएम ने खरनाल स्थित लोक देवता तेजाजी महाराज के दर्शन किए और महाराज की आरती कर आशीर्वाद लिया। तेजाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम मारवाड़ मुंडवा स्थित वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में वार्षिकोत्सव और छात्रावास शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने कन्या छात्रावास की आधारशिला रखी। पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ था। हमारी जिन बहनों ने, हमारे भाइयों ने जिस तरह की तैयारी की थी, उनको मौका नहीं मिल पाया। उनके अंदर जो दर्द है, हमने कहा है कि ऐसे नकल जिन्होंने की है उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। और हमने कहा हम SIT गठित करेंगे। विधानसभा में उनके लोगों ने कहा कि SIT से काम नहीं, CBI से काम चलेगा। हमने कहा हम SIT भी गठित करेंगे, आवश्यकता हुई तो CBI भी गठित करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ने का काम हम नहीं करेंगे। हमने आपसे वादा किया था ये मान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने पहले ही बजट में आपको 6,000 रुपए वार्षिक सम्मान निधि मिलती थी, हमने चरणबद्ध तरीके 2,000 बढ़ाने का काम किया है। किसानों को 8,000 रुपए सम्मान निधि मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने आपके बीच में वादा किया। हमने कहा था कि गेहूं पे हम बोनस देने का काम करेंगे। हमने पहले नहीं, क्योंकि हमें पता है ये मार्च का बजट है और मार्च के बाद किसान की फसल आने वाली है। दूसरी सरकार होती तो कहते उसके बाद बढ़ाएंगे। हमने कहा नहीं, किसान की फसल आने वाली है। हमने 125 रुपए बोनस बढ़ाने का काम किसान की फसल के लिए हमने किया है। चुनाव से 2 महीने पहले वो गारंटी दे रहे थे, उनकी खुद की गारंटी नहीं है। मैंने कहा था तुम तो गारंटी ऐसे दे रहे थे कि आपकी बहुत बड़ी गारंटी कैसे दे सकते हो, आपकी गारंटी नहीं है। अरे 4 साल क्या, 5 साल आपने क्या किया? अरे 5 साल पहले नहीं किया, 4 साल पहले कर देते, 3 साल पहले कर देते, कम से कम लोगों को फायदा तो मिलता। लेकिन उसका उन्होंने नहीं किया, लास्ट के 2 महीने में किया। अरे 2 महीने में ये जनता जानती है क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर गारंटी देनी है तो हमने कहा और हमने प्रारंभ कर दिया। और हम ये विश्वास दिलाते हैं जो आपके बीच में हमने वादा किया है, हर वादे को हम पूरा करेंगे। हम एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। प्रदेश में 6 और प्रांतियों को सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री किरोलीलाल मीणा को 14 सिविल लाइन्स आवास आवंटित किए गए, तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 18 सिविल लाइन आवास आवंटित किया गया। मंत्री हेमंत मीणा को 382A, साथ ही मंत्री ओटाराम देवासी को गांधीनगर में 46 नंबर का आवास आवंटित किया गया है, जिसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं मंत्री विजय सिंह चौधरी को 385 सिविल लाइन्स आवास आवंटित किया गया है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को 383A सिविल लाइन्स का बंगला आवंटित किया गया है। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाना तय है। पार्टी उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है, तो प्रदेश में भी कई नेताओं के नाम पर राज्यसभा के लिए चर्चाएं चल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। कई दिग्गजों पर टिकी पार्टी की नजर। राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया
ओम माथुर की चर्चा पकड़ी जोर। सुनील बंसल, अलका गुर्जर को भी नहीं किया जा सकता दरकिनार। उम्मीदवारों के चयन में खूब हो रहा सोच विचार, ताकि लोकसभा चुनाव में जीत हो जोरदार। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्यसभा की 3 सीट खाली हो रही है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कार्यकाल 3 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री बन चुके हैं। 8 फरवरी को राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बीजेपी में जिन नेताओं के नाम राज्यसभा चुनाव के लिए चर्चा में चल रहे हैं, उनमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया के साथ ओम माथुर का नाम प्रमुख है। पुनिया और राठौड़ विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, मगर प्रदेश की 2 बड़ी जातियों को साधने में दोनों निर्णायक साबित हो सकते हैं, इसलिए बीजेपी दोनों को राज्यसभा में भिजवा सकती है। दोनों ही पार्टी के मजबूत नेता हैं और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। ओम माथुर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और अब तक कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि पार्टी माथुर को भी राज्यसभा के लिए राजस्थान से नामित कर सकती है। भूपेंद्र यादव का नाम भी प्रमुखता से चल रहा है, उन्हें फिर से राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। एक और नाम सुनील बंसल का भी है, मगर इन नामों की चर्चाओं के बीच अलका गुर्जर के नाम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर को जिस तरह से एक के बाद एक जिम्मेदारी दिए जाने का सिलसिला चल रहा है, उससे लगता है कि पार्टी उन्हें भी राज्यसभा भेज सकती है। अलका गुर्जर को लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के लिए 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि राज्यसभा भेजे जाने की खबरों से अलका गुर्जर इनकार कर रही हैं। ये संगठन डिसाइड करता है, संगठन जो दायित्व देता है उसको पूर्ण निष्ठा से हम पूरा करते हैं, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो उसकी शिकायत भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित अनुशासित कार्यकर्ता हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 16 फरवरी को नामांकन पत्र की स्क्रूटनी होगी। 20 फरवरी तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 3 से ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में चुनाव होंगे। 1 सीट पर जीत के लिए 51 वोटों की जरूरत होगी। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 27 फरवरी को ही शाम को 5 बजे मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी से पहले पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी दोनों सीटों पर जीत के प्रति आश्वस्त है। 15 तारीख उसकी अंतिम तिथि है, और हमारे हिसाब से तो 15 तारीख को हम दोनों उम्मीदवारों के नॉमिनेशन दाखिल करवाएंगे। कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया और कैंडिडेट ने कोई अपनी अलग तारीख चूज करी तो अलग बात है, वरना हम 15 तारीख को इकट्ठा होंगे और दोनों उम्मीदवारों को फॉर्म। अभी उम्मीदवारों के चयन को लेकर शुरुआती चिंतन का दौर दिखाई दे रहा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन करेगी, ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सके। विधायकों की संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की 2 सीटों पर जीत पक्की है, मगर तीसरी सीट पर भी वो उम्मीदवार उतार कर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। ऐसा वो इसलिए कर रही है ताकि कांग्रेसी कुनबे में खलबली मच जाए और उसके कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल टूट जाए। लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का यही फॉर्मूला उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश का संचार कर सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। बीकानेर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने यूआईटी में कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ लिपिक और सहायक लेखाधिकारी को ट्रैप किया है। मनीष कुमार खत्री, कनिष्ठ लिपिक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वहीं गणेश कलवानी, सहायक लेखाधिकारी को भी ट्रैप किया गया है। एएसपी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। तो मनीष कुमार खत्री, कनिष्ठ लिपिक जिनको ट्रैप किया गया है, एसीबी की यूआईटी में यह बड़ी कार्रवाई है। गणेश कलवानी, सहायक
उनको भी आपको बता दें कि ट्रैप किया गया है, 70,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। सहायक लेखाधिकारी को ट्रैप किया गया है, कनिष्ठ लिपिक को भी ट्रैप किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की मानी जा रही है। यूआईटी में बड़ी कार्रवाई, रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया दोनों अधिकारी को, 70,000 की रिश्वत लेते हुए दोनों को रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये वही रुपए आप देख रहे हैं जो रिश्वत के तौर पर लिए जाने थे, लेकिन उससे पहले रंगे हाथों एसीबी की टीम ने दोनों ही अधिकारियों को ट्रैप कर लिया। भजनलाल सरकार प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राजधानी जयपुर में हाईटेक सिटी विकसित करने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखानुदान में जयपुर शहर के पास हाईटेक सिटी बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें बेंगलुरु की आईटी सिटी की तर्ज पर हाईटेक सिटी बनाई जाएगी। दरअसल राज्य सरकार का हाईटेक सिटी बनाने के पीछे उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त प्रौद्योगिकी और वित्तीय प्रबंधन जैसी कंपनियों को जयपुर में स्थापित करना है। इससे इन्वेस्ट करने वाली संस्थानों और कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें विश्व स्तरीय शहरों की तर्ज पर सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। हाईटेक सिटी के प्रारूप को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि इसकी वजह से राजस्थान में विकास के नए आयाम तो स्थापित होंगे ही, साथ ही रोजगार बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट यह होगा कि जिस प्रकार बेंगलोर आईटी सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, उसी प्रकार हम जयपुर में भी एक आईटी सिटी की परिकल्पना कर रहे हैं और उसे जब मूर्त रूप देंगे तो निश्चित रूप से निवेश होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्थान को आर्थिक रूप से उसका फायदा मिलेगा। सवाई माधोपुर के बावनबास गांव में एक महिला खेत में बने बोरवेल में गिर गई। ये महिला मंगलवार की शाम 8 बजे 90 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है। इस महिला को बाहर निकलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हालांकि अब तक किसी तरह की सफलता हाथ नहीं लगी है। पहले महिला को बोरवेल के ऊपर से ही निकलने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। गुरुवार की शाम 6 बजे से 2 एलएनटी और जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई शुरू की गई थी, लेकिन रात 10 बजे गीली मिट्टी की वजह से खुदाई बंद कर दी गई। विशेषज्ञों की राय के मुताबिक जयपुर से पोकलेन मशीन अब मंगवाई गई है, पोकलेन मशीन की सहायता से ही अब आगे की खुदाई की जा सकेगी। महिला को लगातार निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ये जो महिला है ये 6 तारीख को रात्रि को 8 बजे इस बोरवेल के अंदर चली गई थी और उसके बाद से 7 तारीख से लेकर के और अब तक रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू में अब तक जिला प्रशासन को सफलता हासिल नहीं हो सकी। आप इस वक्त भी देख सकते हैं पीछे इस वक्त जो पॉकलैंड मशीन है, जो बोरवेल है जिसमें महिला दबी हुई है, उसके बराबर में से एक अलग से एक होल किया जा रहा है। पॉकलैंड मशीन को जयपुर से मंगवाया गया है और अब ये जो मशीन है, इस मशीन की सहायता से 90 से 100 फीट गहरा एक जो बोर है वो एक अलग से किया जाएगा, फिर उसके बाद में एक सुरंग बनाई जाएगी और सुरंग से ये जो महिला है उसको निकाला जा सकेगा। लगातार पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार यहाँ पर है और मैं एक जानकारी आपको ये भी दे दूँ कि यहाँ पर मीडिया को खासतौर से दूर रखा गया है, यहाँ की कवरेज से भी मीडिया को दूर रखा गया है। पूरी जो जानकारियाँ हैं पूरी तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन अपनी जो नाकार गुजारियाँ हैं वो लगातार छुपा रहा है। सवाई माधोपुर, इसके अलावा गंगापुर सिटी, जिला प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी होकर के लगा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरीके की जो ढिलाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि लगभग बोरवेल में गिरे हुए महिला को 67 घंटों से अधिक का वक्त हो गया है, 48 घंटे से लगातार रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अभी तक महिला को निकाला नहीं जा सका है। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापन सूची जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। अभ्यर्थियों ने झालना स्थित शिफू कार्यालय के मेन गेट को बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग 8 कैडर के पदस्थापन सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 23 दिनों से शिफू कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब आपको लिए चल
चलते हैं नागौर, जहां पर बीजेपी की मीटिंग में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी के बड़े पदाधिकारी के साथ बदसलूकी की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक लेने के दौरान हंगामा खड़ा हुआ। अजमेर संभाग के संगठन प्रभारी पुखराज पहाड़िया से बदसलूकी की गई। इतना ही नहीं, खुद एसपी ने पुखराज पहाड़िया को बाहर निकालने का फरमान सुना डाला। इस बीच डीएसपी ने बैठक में जाने की सहमति दी, जिसके बाद डीएसपी पर एसपी नारायण टोगस नाराज हो गए। आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिए गए रिजर्वेशन में केंद्र स्तर पर विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर बाड़मेर बीजेपी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। धरने के दौरान केंद्र सरकार से ईडब्ल्यूएस को सरल बनाने की मांग की गई और नारेबाजी की गई। वहीं राजपूत समाज के साथ अन्य समाज के लोगों ने भी रोष जताया है और ईडब्ल्यूएस सरलीकरण नहीं होने पर वोट नहीं के नारे लगाते हुए सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। जैसा राज्य सरकार ने समर्थन किया है या शर्तें जो की है, वो शर्तें केंद्र सरकार ने अलग से रख दी। हालांकि केंद्र सरकार ने भी मंजूर तो किया समझो, मगर उन्होंने जो शर्तें रखी है उसके अनुसार हम उस ईडब्ल्यूएस में के पात्र नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के जो सरलीकरण को लेकर हमने ये आज धरना दिया है भाजपा नगर कार्यालय के समक्ष, और हमारे इसमें सरलीकरण को मांग को लेकर ये हमारे चार सूत्री मांगे हैं, जिसमें सुधार किया जाए, नहीं तो हम इसकी वोट की चोट करेंगे लोकसभा चुनाव में। जैसलमेर के बाद आपको लिए चलते हैं दौसा, जहां पर रास्ते को लेकर जमकर विवाद हो गया। रानीवास गांव के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। रास्ता बंद होने से परेशान ग्रामीणों ने हंगामा किया और मिट्टी की ट्रॉली खाली करके रास्ते को बंद कर दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार को भी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने तहसीलदार की गाड़ी का घेराव किया, जिसके बाद से रानीवास गांव में रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों में तनाव बना हुआ है। प्रतापगढ़ में व्यापारी के ऑफिस से 9.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। किसानों को देने के लिए व्यापारी रुपए लेकर दफ्तर पहुंचा था और ऑफिस के लॉकर में ही रुपए रखे हुए थे। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो चोरी की घटना जो सीसीटीवी में कैद हुई है, तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जो चोर है वो दुकान में घुसा हुआ है और इस दुकान के अंदर 9.5 लाख की चोरी कर वहां से फरार हो जाता है। हालांकि इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस चोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये जो 9.5 लाख रुपए थे, ये किसानों को देने के लिए व्यापारी दफ्तर लेकर आया था, ऑफिस के लॉकर में उसने रुपए रखे थे और इसी लॉकर को तोड़कर आप देखिए चोर किस तरीके से चोरी कर वहां से फरार हो जाता है। उसके हाथ में थैला है और इस थैले को भरकर वो वहां से फरार होने में कामयाब रहता है। व्यापारी के ऑफिस से 9.5 लाख रुपए की चोरी है। ये बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस इस चोर की छानबीन कर रही है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर तक पहुंचने की कोशिश यहां पर पुलिस की। किसानों को पैसे देने के लिए व्यापारी ये रुपए ऑफिस लेकर आया था, जहां पर लॉकर से इन ऑफिस से चोर लेकर फरार हो गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय में शुक्रवार को हाई स्कूल रोड सुमेर गौशाला के पास पानी से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। पानी से भरा टैंकर सुमेर गौशाला की तरफ जा रहा था। मोड़ में नाली चौड़ी होने के चलते ड्राइवर कंट्रोल कर नहीं पाया और टंकी गली में खड़ी कार पर पलट गई। गनीमत यह रही कि उस समय कार में कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। वहीं धमाके की आवाज सुनकर आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में भीड़ वहां जमा हो गई। पुलिस का कहना है कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पास में एक ट्रैक्टर है जिसकी पीछे ट्रॉली है, पानी की टंकी है जो पलटी खा गई। पलटी खाने से कार खड़ी थी, उस कार के पीछे नुकसान हुआ है। मौके पर आए दोनों वाहन थाने लेके जा रहे हैं। जैसी रिपोर्ट मिलेगी वैसी आगे कार्रवाई की जाएगी।
और इसी